सारूस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मैक्सिकन डिप, जिसको कहते हैं सालसा। चलिए देखते हैं इनके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। 4 से 5 कटी हुई प्याज, 1 कटी हुई शिमला मिर्च, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्च और अदरक का हमने होममेड पेस्ट बना लिया है, 1/2 कप टमाटो प्यूरी, 2 चम्मच टमाटो केचप, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच काली मिर्च, नमक स्वादानुसार, 4 चम्मच वेजिटेबल ऑयल। अब गैस ऑन करेंगे और उस पर पैन रख के उसमें वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। जब तेल गरम हो जाए उसमें अजवाइन डालेंगे। जब अजवाइन थोड़ी सी भुन जाए तो उसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छे से फ्राई करो जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब प्याज भुन जाए तो उसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। एक दो मिनट चलाने के बाद उसमें होममेड टमाटो पेस्ट ऐड कर दीजिए। फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब टमाटो प्यूरी और टमाटो केचप दोनों डाल देंगे। दो से तीन मिनट चलाने के बाद इसमें काली मिर्च और नमक मिक्स कर देंगे। सालसा बनके तैयार है। इसको आप एंजॉय कर सकते हैं रोटी के साथ या पराठे के साथ, या सैंडविच भी इसका बना सकते हैं और चिप्स के साथ भी इसको खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।